लास्ट uh, लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से 20 डिस्कस करे थे इसमें ना मैं आपको 11, 12, 13 एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं uh, उस एक बार आप चेक कर लेना और उसको मैं रिपीट करूंगा और उसके बाद हम आगे 21 से लेकर के 30 कवर करेंगे ठीक है सो so स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को सीधा आते हैं क्वेश्चन के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर इलेवन में आ जाते हैं सो क्वेश्चन नंबर इलेवन के अंदर कह रहा है ए पुट्स अ ज्वेल इंटू अ बॉक्स ऑफ जेड बेसिकली ए ने क्या करा कुछ ज्वेलरी जेड के बॉक्स में डाल दी जिससे कि ये सोच के कि जेड पकड़ा जाएगा और जैसी जेड पकड़ा जाएगा उसको सजा मिलेगी चोरी की जबकि जेड ने नहीं करा कुछ भी तो so बेसिकली मैंने आपको uh, इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन नंबर इलेवन के अंदर ये फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस है बेसिकली फैब्रिकेटिंग द दैट विल एविडेंसेटिंग यूज देट हीस्ट जेड वो चाहता है कि जेड के अगेंस्ट यूज हो इसलिए ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन वन बेसिकली वन का ऑफेंस है सजा मिलेगी वन नाइनटी के अंदर ठीक है तो इसको अब कर लेना वन नाइन थ्री फेब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस ठीक है अच्छा अगले क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर में क्या है ए ने एक ए जो कि पुलिस ऑफिसर उसने करी है अपनी किसी डायरी के अंदर और वो जो डायरी है वो इन एडमिसिबल है सजा दे सकते हैं यस yes, अभी भी दे सकते हैं क्योंकि उसकी इंटेंशन तो यही थी ना उस एंट्री के पीछे कि मैं इसको यूज करूंगा अगर हम सेक्शन 193 पढ़े मैं एक बार यहां पे बेरक ओपन करता हूं 193 का एक बार सेक्शन देखते हैं देखो सेकंड बड़ा कर देता हूं 193 में यह नहीं लिखा कि वो एडमिसिबल होना चाहिए एविडेंस लिखा है इंटेंशन मैं क्या होना चाहिए कि मैं जो एविडेंस क्रिएट कर रहा हूं दिस विल बी यूज्ड इन एविडेंस कॉजेस देखो एवर कॉजेस एनी सरकमस्टेंस टू एग्जिस्ट और मेक एनी फॉल्स एंट्री इन एनी बुक और रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और मेक्स एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इंटेंडिंग

ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व लिख लेना इन सबको हाँ और अभी शॉर्ट नोट्स बना लो जिससे कि आपको आसानी रहेगी अब अब अगले क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन में क्वेश्चन so थर्टीन में क्या है ए जो कि एक वकील है वो क्या करता है बी बी के साथ एक ओथ कमिश्नर पे जाता है और ओथ कमिश्नर को कहता है कि सर ये ना आदमी सी है एक्चुअली है वो बी सो आइडेंटिफाइज बी एस सो सॉरी ए गया ए जो कि एडवोकेट है वो गया बी के साथ वो ओथ कमिश्नर को ओथ ओथ कमिश्नर कमिश्नर को कहता है सर ये जो बी है ना ये बी नहीं ये सी है ए बी को सी के तरह रिप्रेजेंट कर रहा है ओथ कमिश्नर को लगा ये सी है, है. ओथ कमिश्नर ने उस एफिडेविट पे अटेस्ट कर दिया ये सोच करके ये सी है जबकि वो तो है बी फॉलो कर रहे हो ना बेसिकली ओथ कमिश्नर ने बी को ओथ दी है यह सोच करके कि बी सी है ए ने क्या ऑफेंस किया एक्चुअल हाँ में करा ए ने भी झूठ बोला बी ने भी झूठ बोला ओथ कमिश्नर के आगे so इसने क्या ऑफेंस करा है अगर हम यहां पे बात करें तो सेक्शन जस्ट वन सेकेंड वन एट्टी वन आईपीसी पी सी विल अप्लाई देखो जस्ट वी कंफर्म

बिना उधर ही मारा उसको उसको पता था कि हम मारूंगा तो डैमेज होगी डेथ होगी उधर ही मारा तो इंटेंशन इज अब यहां पे क्या लगेगा 299 का पार्ट टू इंटेंशन ऑफ बॉडीली इंजुरी लाइकली टू कॉज डेथ ठीक है ना अच्छा ये पार्ट टू लगा तो 300 लगेगा फिर 300 का या तो क्लॉस टू लगेगा या तो क्लॉस थ्री लगेगा क्लॉस टू में क्या है कि uh, क्लास टू में क्या थ्री हंड्रेड के क्लास टू क्लास थ्री में क्या डिफरेंस जब उसको स्पेशल नॉलेज है तो क्लास टू जब वो जो इंजुरी थी सफिशियंट थी उसके लिए डॉक्टर की टेस्ट में लानी पड़ेगी तो यहां पे क्लास थ्री नहीं लगेगा यहां पे थ्री हंड्रेड क्लास टू के थ्रू हम मर्डर के लिए लाइबल करेंगे इसको ठीक है क्योंकि ही वॉज हैविंग स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग द रिगार्डिंग द विक्टिम ठीक है अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में ए ए इंटेंडिंग इंटेंडिंग टू टू किल किल बी बी शूट्स एट हिम बट द शॉट हिम एंड एक्सीडेंटली शूट सी ये सीधा तो सीधा केस है हु ही नेवर इंटेंडेड टू इंजर सी डाइज ऑन द स्पॉट ए मारना चाहता है बी को मरा सी दिस इज वॉट ट्रांसफर ऑफ मैलिस थ्री जीरो वन आई लगा देना ठीक है सो so, सीधा सीधा ट्रांसफर ऑफ मलिस्ट का केस है तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन लिख लोगे ना इश्यू क्या बनाओगे इफ इफ इज इज नो अगेंस्ट वन विक्टिम बट एज अ रिजल्ट या ऐसे लिख सकते हो इफ देर इज अगेंस्ट अ अर्टिकुलर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन बट एक्चुअली द ऑफेंस देंस अपॉन सम अदर पर्सन कैन द बी इंक्ट अगेंस्ट एक्चुअल विक्टिम क्या उसके लिए हम को इंप्यूट कर सकते हैं दिस है? इस तरीके से इश्यू एक्सप्लेन करोगे अच्छा बी के लिए भी तो लाइबल होगा टू मर्डर के लिए तो इसको बी के लिए दो सजा मर्डर बी के लिए और सी का तो मर्डर ही कर दिया तो सी के लिए मर्डर के लिए ठीक है ओके okay, नेक्स्ट अ टर्मिनली इल पेश हु ईयर्स ओल्ड रिक्वेस्ट इज डॉक्टर टू गिव हिम अ लिटिल इंजेक्शन सो दैट ही में डाई पीसफुल द डॉक्टर एडमिनिस्टर्ट द इंजेक्शन इंजेक्शन विच रिजल्ट इन डेथ ऑफ द पेशेंट इज डॉक्टर गिल्टी ऑफ सम द आई पी सी एक पेशेंट ने बोला मेडिकली टर्मिनली इल पेशेंट जिसका कोई इलाज नहीं है उसने बोला कि भाई सर मेरे को तो आप मार दो इंजेक्शन दे दो डॉक्टर ने दे दिया मार दिया अब क्या डॉक्टर की लायबिलिटी है अब देखो ऑफेंस तो सीधा मर्डर का बन रही है उसने एक्सेलरेट करी है ना डेथ को तो फिर क्या लगेगा यहां पे 299 का एक्सप्लेनेशन नंबर वन लगा दो हु हैज एक्सेलरेटेड द डेथ ठीक है ऑल मरने तो वाला ही था बट स्टिल ही हैज एक्सेलरेटेड द डेथ एंड देयरफॉर उसकी भी लाइबिलिटी बनेगी बच नहीं पाएगा दूसरा

बट मेडिकली टर्मिनली इल पेशेंट या एटीर्स वाला ऐसा कोई भी यहां पर नहीं दे रखा सेक्शन नाइनटी भी नहीं लग पाएगा ठीक है अच्छा यहां क्या लगेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन जहां कंसेंट के साथ डेथ कॉज की जाती है तो एक्सप्लेनेशन फाइव सेक्शन थ्री हंड्रेड का लग जाएगा तो आप यहां पर एक्सप्लेनेशन फाइव को भी ये सारे प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे आप ठीक है ना अच्छा दूसरा ये क्या है एक्टिव यूथनेशिया अब यूथनेशिया क्या होता है उसको भी एक्सप्लेन करोगे ये भी बताया होगा मैंने आपको जब सेक्शन 300 पढ़ाया होगा 299 300 के अंदर मैं 300 की एक्सेप्शन 5 सबसे मेन प्रोविजन है एक्सेप्शन 5 ऑफ सेक्शन 300 कल्पेबल होमसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज बीइंग अबव द एज ऑफ 18 इयर्स सफर्स डेथ और टेक्स रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट ठीक है सो सीधा-सीधा एक्सेप्शन 5 लग रही है यहां पे तो इस सिचुएशन में एक्सेप्शन फाइल लगेगी और वो डॉक्टर की लाइबिलिटी कहां बनेगी फिर कल्पेबल होम से नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर थ्री जीरो सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा इट्स अ बिग क्वेश्चन ए एंड बी गो टू द हाउस ऑफ सी कॉमन इंटेंशन ऑफ कमिटिंग हैं चोरी करने के लिए आफ्टर कमिटिंग सी ने पकड़ लिया बी को विद्यू टू एस के स्ट्रेंगुलेट सी बी पकड़ सी को स्ट्रेंगुलेट कर देता है सी की डेथ हो जाती है ए कुछ नहीं करता ए चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा है बट डज नथिंग वट ऑफेंस इफ एनी ए कमेटेड ए ने क्या करा है कॉमन इंटेंशन है ना जो सी ऑफेंस करने के लिए जब इंटेंशन थी तो मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब आप ऑफेंस करने के लिए कोई ऑफेंस कॉमन इंटेंशन क्रिएट करते तो उधर जाने के लिए और आने के लिए जो जो और ऑफेंसेस करने जरूरी हो जाते हैं तो उन सब के लिए मैं इंक्लूड कर लिया जाता है कॉमन इंटेंशन इंक्लूड कर ली जाती है तो so, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन मान लेंगे कि प्रिज्यूम कर लेंगे कॉमन इंटेंशन थी एंड देर फोर ए को लाइवल करेंगे हम सेक्शन थ्री जीरो टू रेड विदी फोर कॉम्बिनेशन समझ गए इवन डायरेक्टली उसने ऑफेंस नहीं किया पर यहां पे प्रिज्यूम कर लिया जाएगा ठीक है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन तो था ही वो गए थे वहां पर चोरी करने के लिए वो कर नहीं पाए या करा उससे तो हमें क्या फर्क पड़ता है कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन था अब वहां पर उस टाइम पे जब वो मार रहा था कुछ नहीं कर रहा तो दिस ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन

ने बी को गोली मारी बी झुक गया सिंगल फायर एंटर्स एक सिंगल फायर कर है, इसका मतलब मार रहा था पैर पे नीचे झुका बी इसलिए वो चेस्ट पे निकल के बाहर निकल गई गोली बी डाइस द मेडिकल ओपिनियन अब देखो मेडिकल ओपिनियन क्या है यहाँ पे द नेचर ऑफ द इंजरी इज एज बी डेंजरस टू लाइफ मतलब इज डेंजरस टू लाइफ तो ये डेंजरस है लाइफ के लिए इन क्रॉस एग्जामिन डॉक्टर स्टेट दैट हैड बी नॉट डेड अगर बी नीचे झुका नहीं होता द फायर माइट है राइट था उसके राइट था लगती बट ने सेम वु बीन डेंजरस टू लाइफ तब भी वो डेंजरस ही होता लाइफ के लिए इन क्रॉस एग्जामिनेशन द डॉक्टर रिपीट हो गई है इसको छोड़ देते हैं एनालाइज दैक्ट्रेस बेसिकली समझ गया ना इश्यू क्या समझ गया द कल्पेबिलिटी ऑफ ए शुड बी ऑफ मर्डर मर्डर है इंजरी डॉक्टर क्या कह रहे हैं लाइकली टू कॉज डेथ ऑल द मैन सीरिया वॉज टू कॉज बॉडिली इंजरी ऑन था पर वो डॉक्टर तो आकर के ये कह रहे हैं कि भाई अगर था भी लगती ना तो भी मर सकता था इंटेंशन इज बॉडी ली इंजरी की लाइकली टू कॉज डेथ तो यहां पर टू नाइनटी नाइन का पार्ट टू प्रूव होता है समझ में आ गया जब पार्ट टू लगा तो थ्री हंड्रेड में आ जाओ थ्री हंड्रेड का क्या लगेगा या तो क्लॉस टू या तो क्लॉस थ्री और तो कोई लगी ही नहीं सकता यह सब पढ़ा चुका हूं मैं तो क्लॉस टू या क्लॉस थ्री क्लॉस टू में स्पेशल नॉलेज कोई विक्टिम की यह तो है नहीं इसको रूल आउट कर देते हैं अच्छा क्लॉस थ्री में क्या सफिशियंट इन ऑल केसेस डॉक्टर ने क्या बोला है डेंजरस था उसने ये नहीं बोला इट वॉज सफिशियंट इन इन ऑल केसेस टू कॉज डेथ इसलिए क्लॉस थ्री नहीं लग पा रहा अकॉर्डिंगली थ्री हंड्रेड यहां पर प्रूव नहीं हो रहा टू नाइन नाइन प्रूव हो गया ही विल बी फॉर कल्पेबल नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर समझ गए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आता है नाइनटीन के अंदर ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है देखो एम हैड कंस्ट्रक्टेड अउस इन द फिडनी फिड़नी आउटर सर्किशियस रोड ऑफ विलेज खुर्द खुर्द के अंदर कोई उसने कोई कुछ नहीं कंस्ट्रक्ट कोई घर बना रखा है अपना सो एम का ये घर है ही हैड इंस्टॉल्ड वाटर पंप नियर हिज हाउस बाहर यहां पर कोई वाटर पंप लगा रखा है आर एंड इज फादर एस हु बिलोंग टू विलेज कलन हैड परचेज एग्रीकल्चर लैंड एडजस्टेंड टू द फिर्नी ऑफ विलेज खुर्द यहीं कहीं उसने आर एस उसका बेटा आर ठीक है उन्होंने यहां पर कोई जगह खरीदी है राइट अब क्या आगे ए द वाइफ ऑफ एम एम की वाइफ है ए

रिलायबल होगा सीधी सीधी इंटेंशन टू कॉज डेथ है यहाँ तो बॉडी इंजरी भी क्या यहाँ तो देर इज एन इंटेंशन ऑफ डेथ सोचो ना यहाँ पे एक इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है उसका भी स्ट्रॉन्ग एज जो वो वाला है जो शार्प एज है उसके थ्रू इंजर कर है, वो भी कहां पर बॉडी के सबसे वाइटल पार्ट में हेड पे तो इसका मतलब देर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन ऑफ डेथ सो ऐसे में अब हमें देखना है

एम डाइड आफ्टर सिक्स मंथस और इमीजिएटलीस डेज और इमीजिएटली छह दिन की बात हुई है इसकी डेथ अगर इमीजिएटली होती हुई या छह दिन बाद हुई कोई को फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर वो जो इंजुरी हुई है वो बहुत स्ट्रांग इंजरी है हाँ हेडेड बिन कोई छोटी इंजुरी होती तो वहां शायद हो सकता था कि मर्डर इनकी जगह कल पेबल होमसाइड में हम लाइबल कर देते पर प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पे तो इंटेंशन ऑफ डेथ प्रूव हो रही है सीधी सीधी तो टू पार्ट वन लग रहा है यहां तो और जब वो लगा तो उससे हंड्रेड प्लॉज ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया ठीक है अच्छा वेदर देर वॉज नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ आर दैट बाय हिज ब्लो ही लाइकली टू कॉज सच बॉडिली इंजरी ऑन एम एज वॉज लाइकली टू कॉज डेथ ये तो थी ना जब बॉडी इंजरी कॉज करी है लाइकली टू कॉज डेथ तो है तो ही है उसको पता ही था तभी तो सर पे मारा है वेदर देर वॉज इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ आर टू कॉज बॉडीली इंजरी

सी इज एन इंटेंशन ऑफ डेथ नो डाउट अबाउट इट बट देन पे इंटेंशन ऑफ बॉडी इंजरी भी है टू कॉज ठीक है ऑफेंस हैज कमिटेड बाय आर आर ने क्या करा है मर्डर का केस बन लाइबल कर देंगे इसको डन ओके लास्ट आज का क्वेश्चन ट्वेंटी द क्यूज है मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट फेल्ड इवन एट इज लास्ट अटेप्ट in frustration, he decided to put end of his life. he made a pact with his 19 years old wife who told him that they both should depart from world at the same time and that he should kill her first so that she would predecease uh, pre him. thereupon, the accused struck her with a crowbar and not being able to uh, witness a self perpetratedly ट्रेजिडी रैन आउट विद ब्लड स्टे बॉडी द वाइफ टाइटिकली खुद ने तो अपने आप को नहीं मारा बट वाइफ को मार दिया कैन दूस बी कन्वर्क फॉर द चार्ज ऑफ मर्डर कल्पेबुल होमिसाइड आई पी सी इफ नॉट वी हैज ही कमिटेड क्या मर्डर के लिए ड्राइवल करेंगे देखो इंटेंशन ऑफ डेथ है ठीक है so, सो हम इसको इंटेंशन ऑफ डेथ पार्ट वन में रख सकते हैं थ्री हंड्रेड का क्लॉज वन लग जाएगा फिर सो so मर्डर तो प्रूव हो रहा है लेकिन एक्सेप्शन फाइव भी तो लग रही है शी कंसेंटेड फॉर हर डेथ जब उसने खुद ही कंसेंट दे रखी है अभी तो पढ़ा हमने एक्सेप्शन फाइव तो इसका मतलब क्या बन जाएगा वापस से ये केस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ठीक है सो एक्सेप्शन फाइव विल अप्लाई ठीक सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे हमने टेन क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करें